गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आप लोगों का सेकंड चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। नोट्स इसके अंडरलाइन वाली लाइंस के आप लिख लीजिएगा। आज आप हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, सीरियल्स आर, सीरियल्स मतलब अनाज। सारे अनाज क्या हैं? सीड्स, सीड्स वाले होते हैं सारे। सीड्स मोस्टली ऑब्टेंड फ्रॉम ग्रासेस, जो सारे ग्रासेस वाले प्लांट्स से हमें ऑब्टेंड होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द फूड कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन सा फूड कंपोनेंट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी ग्रोथ कौन से कंपोनेंट से होती है? प्रोटीन से। प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ वी नीड, स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? फॉस्फोरस की। ओके, द फूड कंपोनेंट विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज इन, कौन सा फूड कंपोनेंट हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है? विटामिन हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। आयरन क्या है? आयरन एक मिनरल है। प्रोटीन इज कॉल्ड, प्रोटीन का अदर नेम क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है ये, क्योंकि हमारे ये क्या करता है? ग्रोथ करता है, हम ठीक है सेल्स वगैरह को बनाता है। ए बैलेंस डाइट कंटेन, बैलेंस डाइट में क्या होता है? ऑल न्यूट्रिएंट्स, वाटर, रगेज इन सफिशियंट क्वान्टिटीज़ में होते हैं। इसमें आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में देखो, PEM इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। PEM प्रोटीन, क्या है इसकी फुल फॉर्म? प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से होता है, बोलो। प्रोटीन की कमी से होता है ये, नॉट विटामिन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज गोइटर, विटामिन बी की कमी से गोइटर होता है? नो, गोइटर किससे होता है? आयोडीन की कमी से। एब्सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल कैन लीड टू ए डेफिशिएंसी डिजीज। किसी पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स की कमी से डेफिशिएंसी डिजीज होती है? यस, राइट है। विटामिन सी इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी होता है वो सारे खट्टे फलों में होता है, इट इज़ ऑल्सो राइट। मिनरल्स आर नॉट रिक्वायर्ड बाई बॉडी, मिनरल्स की हमारी बॉडी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉल्स है, कैसे नहीं होती? होती है ज़रूरत हमें। नेक्स्ट है, मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ आयरन इन आर बॉडी। मिल्क क्या आयरन का रिच सोर्स है? नो, मिल्क तो प्रोटीन का रिच सोर्स है। नेक्स्ट है, रगेज इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आर बॉडी। रगेज क्या हमारे प्रॉपर डाइजेशन के लिए ज़रूरी है? यस, रगेज कोई फूड नहीं है, ये केवल क्या है, फूड में जो फाइबर होता है, फाइबर कंटेन होता है, उसे रगेज बोलते हैं। ये क्या है, कॉन्स्टिपेशन से हमें राहत मिला दिलाता है और डाइजेस्ट फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट है फिलिप्स, देखिए, लेक ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट कॉजेस डेफिशिएंसी डिजीज। किसकी कमी? किसी भी एसेंशियल कंपोनेंट मतलब आवश्यक कंपोनेंट की कमी होगी तो डेफिशिएंसी डिजीज होगी। DEFICIENCY डेफिशिएंसी डिजीज। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस एनीमिया। आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया, ANEMIA एनीमिया। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड, जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो किससे मिलती है हमको एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, CARBOHYDRATES कार्बोहाइड्रेट्स। वाटर रेगुलेट्स आर बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? वाटर। ए डाइट विच कंटेन ऑल असेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ओके, बैलेंस्ड, BALANCED बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट है, रगेज इज ए फूड कंपोनेंट डेट हेल्प इन ए डाइजेशन बट नॉट गिवन एनी एनर्जी। जो रगेज होता है वो क्या करता है, क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है लेकिन कोई एनर्जी नहीं देता है। रगेज, RUGHAGES रगेज। नेक्स्ट है मेरास्मस एंड क्वाशियर कोर। मेरास्मस जो प्रोटीन डिजीज थी ना, टू MARASMUS मेरास्मस एंड क्वाशियर कोर इज द प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन डिजीजेस। ओके, ये देखिए स्पेलिंग देखिए, MARASMUS और क्वाशियर कोर, KWASHIORKOR क्वाशियर कोर। जो लास्ट पेज में जो प्रोटीन डिजीज है ना, वो यहाँ से स्पेलिंग पीछे से अच्छे से और देख लेना, यहाँ क्लियर नहीं दिख रही है तो। विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, विटामिन हमको डिजीज से फाइट करते हैं। ओके, वन वर्ड में आंसर देने हैं तुम्हें, गिव आंसर इन वन वर्ड।
डेफिशिएंसी डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी आयोडीन, पता ही है तुम्हें आयोडीन की कमी से कौन सा हो जाता है, गोइटर डिजीज हो जाती है। ठीक है, कौन सी विटामिन है जो ब्लड की क्लोटिंग करती है, ब्लड को जमाती है, जैसे हमारे कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड फ्लो होना अपने आप स्टॉप हो जाता है, किसके कारण, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, NIGHT BLINDNESS, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्वॉलन गम्स, जिसमें हमारे गम्स मतलब मसूड़े फूल जाते हैं, किससे, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से, तभी तो कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने चाहिए। मेल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज कॉजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है, मैरास्मस, MARASMUS, मैरास्मस। ओके, ये तुम्हारे वन वर्ड वाले आंसर कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट है तुम्हारे कौन से सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, 20 वर्ड्स वाले, तो इन्हें मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड, तो ये मैंने एक नोटबुक में इनके आंसर्स सारे लिखे हुए हैं, वहाँ पे आपको आंसर्स मैं इसकी शेयर कर दूँगी फोटो। पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, पहले इनको क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रगेज, ये सब। थ्री कार्बोहाइड्रेट्स के नेम लिखने हैं यहाँ पे, थ्री सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के नेम लिखने हैं यहाँ पे, विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज़ हो जाती है वो लिखना है, और जो इसमें एक प्रोग्राम लॉन्च करा गया है इंडिया के द्वारा डाइट्री, ठीक है, वो कौन सा प्रोग्राम है उसका नाम लिखना है। हम ज़्यादा फैटी फूड खाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, फैट वाले फूड के टू नेम लिखने हैं, ठीक है। और ये किसकी कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से डिजीज़ हो जाती है, बेरीबेरी, स्कर्वी और गोइटर, तो हमें इनके नाम लिखने हैं। ये तुम्हारे 20 वर्ड्स वाले कुछ आंसर्स यहाँ पर है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड, ठीक है, उसका आंसर है देर आर 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स, कौन से 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के 2 सोर्सेज के नेम बताने हैं, 3 सोर्सेज के नेम बताने हैं, तो ग्रेन्स, पोटैटो और राइस। थर्ड क्वेश्चन था प्रोटीन के सोर्सेज के नाम बताने थे, सोयाबीन, पल्सेज और मिल्क वगैरह, एल्क वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होती है, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो डाइट्री प्रोग्राम लॉन्च करा है गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा था, मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर हम ज़्यादा फैटी फूड लेंगे तो क्या होगा, इफ़ वी ईट टू मच फैट रिच फूड इन आर डाइट कैन रिजल्ट इन प्रॉब्लम्स लाइक, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, ये सब डिजीज़ हमें हो। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन था हमारा कि जो कैसा कौन से फूड के नेम लिखने हैं जो जिनमें ज़्यादा फैट हो, उन फूड्स के नेम लिखने हैं, जैसे चीज़, CHEESE, चीज़, पनीर और नट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेरी बेरी किसकी कौन से न्यूट्रिशन की कमी से हो जाता है अगर हम अपने डाइट में टमेटोज, पीज वगैरह नहीं लेंगे, स्कर्वी, इनके अलावा भी और भी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे हमको केवल वन या टू एग्जांपल्स ही लिखना है। स्कर्वी सिट्रस फ्रूट में होता है सारा, अगर हम खट्टे फल नहीं खाते तो हो जाता है, कैबेज वगैरह, गोइटर, सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट वगैरह नहीं लेंगे तो हमें ये डिजीज़ हो जाएगी। तो ये मैंने क्वेश्चन आंसर 20 वर्ड तक करा दिए हैं, अब 40 वर्ड्स वाले, 80 वर्ड्स वाले हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके।